डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट है यूपी स्कॉलरशिप को लेकर। अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है, ओबीसी वाले बच्चों के साथ विशेषकर अन्याय हुआ है, क्योंकि उनका परसेंटेज लगाकर इन्होंने उनको मतलब एक तरीके से कहें तो उनके साथ अन्याय हुआ, परसेंटेज का ओबीसी के साथ क्राइटेरिया हुआ है। अब देखो किनका चांस है स्कॉलरशिप आने का, सेकेंड किस्त कब तक आएगा, अगर आना है तो अप्रैल के महीने, अप्रैल के लास्ट में सेकेंड किस्त आ जाएगा, ठीक है। और जिनका फॉर्म वेरीफाइड है, परसेंटेज भी अच्छी खासी है, उनका भी पैसा अप्रैल में ही आएगा। मैं आपको बता दूं अप्रैल के लास्ट में आएगा। जावेद मुस्तफा जिन्हें ट्यूट के माध्यम से जानकारी दी है, जिन छात्राओं का इस आवेदन वेरीफाई है उनकी स्कॉलरशिप क्यों नहीं भेजी जा रही, छात्रों की समस्या का समाधान कीजिए, कई छात्रों की पढ़ाई छूट जाएगी अगर स्कॉलरशिप नहीं आई, मैं समझ सकता हूँ। आसिम अरुण जी जो कि हमारे समाज कल्याण अधिकारी हैं, उन्होंने उनको ट्यूट के माध्यम से जानकारी दी है। अब देखिए यहाँ पर आप खुद समझदार हो, आखिरकार बच्चों का स्कॉलरशिप अगर नहीं आता है तो बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल छूटने के बिल्कुल चांसेस बन जाते हैं। अब देखिए मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपका स्कॉलरशिप दे दिया जाए। अब जावेद सर ने भी ट्वीट कर दिया है तो आपका स्कॉलर यहाँ पर देखिए स्कॉलरशिप भेजाने के लिए उन्होंने डीडब्ल्यूएस नोटिस आया था, उसमें बोला जा रहा था अगर आपकी परसेंटेज 65.20 से ऊपर है तो आपकी जो स्कॉलरशिप 25 अप्रैल तक आपके खाते में भेज दी जाएगी। ये ऑफिशियली नोटिस जारी किया था DWO वालों ने, यहाँ चेकआउट कर सकते हो। परसेंटेज आपकी पूरी है फिर भी स्कॉलरशिप नहीं आई है तो 100% आपकी स्कॉलरशिप आएगी, ठीक है। कब आएगी ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, 25 अप्रैल तक आ जाएगी। ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो भाई 7000 OBC छात्रों का झटका लग गया है, ना मिली स्कॉलरशिप। भाई 7000 ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कानपुर डिस्ट्रिक्ट से अपडेट है ये सिर्फ, ऐसे कई सारे डिस्ट्रिक्ट की बात कही होगी। 7000 OBC छात्रों को झटका लग गया, बजट के अभाव में इनकी स्कॉलरशिप फंस गई। अब देखो 65.20% नंबर लाने वालों को स्कॉलरशिप मिल सका, पिछड़ा जो वर्ग है OBC के 37000 छात्रों की मतलब यहाँ पर स्कॉलरशिप दी गई, इसमें 9 से इंटर और ऊपर से छात्र शामिल रहे, करीब बोला जाए तो 30000 छात्रों की स्कॉलरशिप आई, जिसमें पिछले साल OBC के सभी को छात्रवृत्ति मिल रही थी। इस बार क्या है, इन्होंने परसेंटेज लगा दिया, 65.20 है तभी आपका पैसा भेज जाएगा, है ना। तो नंबर वालों को दे दी गई स्कॉलरशिप 7000 की स्कॉलरशिप। निदेशालय को यह पत्र लिखा गया है कि परसेंटेज क्राइटेरिया को खत्म किया जाए, हम भी आपके साथ खड़े हुए हैं, ट्विटर कैंपेन वगैरह चलाए जा रहे हैं, तो सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब देखिए 25 तक इन्होंने बोला है कि हम लोग स्कॉलरशिप का पैसा भेज देंगे, जिनका परसेंटेज पूरा है और जिनका 65.20 से अधिक है, OBC वालों के लिए है। तो पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके, टेलीग्राम हमारा ज्वाइन करें, नोटिफिकेशन बेल हो इसको जरूर ऑल पर क्लिक करें। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, इन्होंने एक चीज़ और बताई है स्पष्टली यहाँ पर कर दिया है कि मेरिट का जो फंडा चल रहा है, भारत सरकार जो मेरिट लगा रही है इस बार, ये केंद्र सरकार से जो पैसा भेजा जा रहा है ये आप चेकआउट कर सकते हो। कहने का 65.20 जो मेरिट है और आपकी उससे ज़्यादा परसेंटेज है फिर भी स्कॉलरशिप नहीं आई है तो पूरे चांसेस हैं अप्रैल के लास्ट में आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी आए और पैसा भी भेजा जाए इन लोगों का, ठीक है। अब सरकार एक्शन ले रही है, देखो SIT करेगी छात्रवृत्ति घोटाले की जांच, यहाँ भी देख सकते हो ED जांच में खुली घोटाले की परतें, 10 संस्थान व 18 यहाँ पढ़ सकते हो। कहने का मतलब सबूत जुटाने में काम तेजी से होने लगा है, और मैं बता दूं 150 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया था स्कॉलरशिप में। प्री एक्टिवेट सिम बेचने वालों का तलाशी रहा है हमारे जो ED हैं, उन्हें तलाशने का काम शुरू कर दिया है। स्कॉलरशिप के डिपार्टमेंट में मैं आपको बताऊँ कहीं ना कहीं घोटाला भी हुआ है और बच्चों का पैसा नहीं भेजा गया। परसेंटेज को उन्होंने क्राइटेरिया बना दिया कि हाँ OBC वाले हो आप तो आपकी इतनी परसेंटेज है तभी आपकी स्कॉलरशिप आएगी, और उससे कम है तो भैया नहीं आएगी, उन्होंने स्पष्टली बोल दिया है। इसके लिए हम ट्विटर कैंपेन चलाने वाले हैं, चला रहे हैं मतलब, तो आप लोग सपोर्ट करें, ट्विटर पर हमें फॉलो कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स हम प्रोवाइड करा सकें, है ना। लिंक वगैरह मैं वहीं पर शेयर कर दिया, मैंने ट्वीट भी कर दिया, जावेद सर ने भी ट्वीट कर दिया है, हमारी बात आगे तक पहुँचाई जाएगी। यहाँ देख सकते हो आप लोग बताया जा रहा है करीब करीब जो जिलों के नाम दे रखे हैं इनको भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। देखिए बोला क्या जा रहा है, जो स्कॉलरशिप का जो घोटाला वगैरह हुआ है उसकी जांच अब तेजी से हो रही है, तो इसका मतलब ये है अब पैसा भेजा जाएगा बच्चों, ठीक है, कंफ्यूज ना हो, स्कॉलरशिप का पैसा अब भेजा जाएगा। ये मेरिट वाली भी सिस्टम है, आप चेकआउट कर सकते हो, अगर आपकी परसेंटेज पूरी है ना, 65.20 से अधिक है, OBC के स्टूडेंट्स हो तो आपका पैसा 100% आएगा अप्रैल, 25 अप्रैल लास्ट में आप सभी का पैसा भेजा जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो।
आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।